एक ऐसी वैकेंसी का अनाउंसमेंट आपके लिए किया गया जिसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, फॉर्म की फीस भी नहीं लगेगी, डायरेक्ट इंटरव्यू आपका होगा और आपका सिलेक्शन उसी के बेसिस पर होगा। ये नोटिफिकेशन आप जो देख रहे हैं ये राइट्स के द्वारा निकाली गई है। जो राइट्स है वो अगर आपने कभी नहीं सुना है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर एक इंटरप्राइज है ये, ठीक है, जिसके द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया। पोस्ट कौन कौन सी है, डेजिग्नेशन क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, इंटरव्यू देने आपको कब जाना है, कहां जाना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। सेक्शन इंजीनियर, ड्रॉइंग एंड डिजाइन एक्सपर्ट, असिस्टेंट सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सपर्ट, असिस्टेंट एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, क्यूएस एंड बिलिंग इंजीनियर, असिस्टेंट आर&आर सोशल एक्सपर्ट, सेक्शन इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर ड्रॉइंग एंड डिजाइन इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये सारी पोस्ट है जिनके लिए अनाउंस की गई है वैकेंसी। यहां पर आप अगर देखेंगे एज लिमिट, तो मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है कि कितनी आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, 55 साल बहुत होता है, ठीक है, 55 साल से कम आपकी उम्र है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें लास्ट डेट अप्लाई करने की, जो लास्ट डेट है वो है 7 अप्रैल 2024, यानी कि अब आ ही चुकी है डेट, ठीक है, ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। नोटिफिकेशन मेरे पास अभी अभी कुछ समय पहले आया तो मैंने सोचा आज आपको याद दिला दिया जाए, ठीक है। 7 अप्रैल 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आराम से अप्लाई कर दीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया। तो देखिए सेक्शन इंजीनियर के लिए बैचलर्स डिग्री आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में अगर है या फिर डिप्लोमा है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। एटलीस्ट 4 ईयर फॉर डिग्री होल्डर, अगर आपके पास डिग्री है तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा होल्डर है आप, तो 7 साल का एक्सपीरियंस आपको काम करने का होना चाहिए, ठीक है। देखिए डायरेक्ट आपको जॉब दी जा रही है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा जाएगा, रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा है आपका, कुछ भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपको बुला जा रहा, फीस भी नहीं ली जा रही है, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मांगा जाएगा, ठीक है, वो माइंड सेट रख के ही वीडियो देखेंगे। अब आगे देखिए ड्रॉइंग एंड डिजाइन एक्सपर्ट के लिए बैचलर डिग्री अगर आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है संबंधित फील्ड में, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन डिग्री होल्डर्स के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगला देख लेते हैं, अगला है असिस्टेंट सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सपर्ट में। तो यहां पर ये जो पोस्ट है असिस्टेंट सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सपर्ट की, इसमें डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो 4 साल मांगा गया है, ठीक है। अब असिस्टेंट एनवायरमेंटल एक्सपर्ट के लिए बैचलर डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट इसके अगर आपने कोई डिग्री की है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। डिग्री होल्डर्स के लिए 4 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 7 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्यूएस एंड बिलिंग इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री आपने सिविल इंजीनियरिंग में की है या फिर डिप्लोमा किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी वही चीजें हैं कि 4 साल और 7 साल, डिग्री होल्डर के लिए 4 साल और बाकी के लिए 7 साल, ठीक है। यहां पर देखेंगे असिस्टेंट आर&आर सोशल एक्सपर्ट, इसके लिए बैचलर डिग्री आपने अगर करी है सोशल साइंस में या फिर अदर रिलेटेड फील्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए एक्सपीरियंस 7 साल का मांगा गया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं सेक्शन इंजीनियर के लिए फुल टाइम बैचलर्स डिग्री अगर आपने की है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 4 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेक्शन इंजीनियर की अगर हम देखें तो डिप्लोमा अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इनमें से किसी में भी तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसमें भी आपसे 4 साल या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है, ये सारी चीजें आप खुद पढ़ सकते हैं, ये उतना कोई पढ़ने के लिए है नहीं। देखिए ये फुल फॉर्म वगैरह दिया गया है, ये सब हमारे काम का नहीं है, फिर भी आप अगर एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने जो आपसे बताया था कि एग्जाम नहीं है तो उसको एक बार देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, द एप्लीकेशंस रिसीव्ड शैल बी स्क्रीन्ड फॉर एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट्स मे बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन। पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया जाएगा, ठीक है, कि आप एलिजिबल है कि नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद कंपनी रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन आउट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ सिलेक्शन शैल बी एज अंडर इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट वगैरह किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद बाकी सारी प्रोसेस होगी। इंटरव्यू से ही आपका सिलेक्शन मेनली होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको इंटरव्यू वगैरह कहां देना है, क्या करना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू अपेयर फॉर इंटरव्यू इधर इन हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आपकी फीस के बारे में, मैंने बताया था कोई फीस नहीं लगेगी। फीस के बारे में लिखा है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स
EWS, SC, ST, PWD कैंडिडेट्स, फी नील, नील मतलब कोई फीस नहीं लगेगी, जीरो फीस, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है आपको, ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दिया गया। वेबसाइट में जाएंगे www.rites.com, तो आपको इस वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अप्लाई करने के लिए भी लिंक मिल जाएगी, सारी डिटेल भर के आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। और साथ में सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपीज भी आपको उसमें जमा करनी पड़ेगी, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की, ताकि आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मिल सके, बाकी सारे अकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिक के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका आपको यहां पर जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे आगे जो भी इंटरव्यू के बारे में दिया है, मैंने बताया था कि जगह भी इसमें बता दिया गया है, इंटरव्यू आपका होगा, पूरा एड्रेस दिया गया है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो तैयार रहिएगा। अगर आप मूव कर सकते हैं तो चले जाइएगा, 8/4/2024 से लेकर 9/4/2024, यानी कि 8 तारीख और 9 तारीख को आपका इंटरव्यू होने वाला है, अभी अभी, ठीक है, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होने वाला है, 7 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं आराम से, अगर जा सकते हैं तो चले जाइएगा। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।